दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप सीएससी भीएली हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स में काम करना चाहते हैं, सात्विक जनगणना आप करना चाहते हैं, तो आपने अप्लाई किया था और ऑनलाइन एग्जाम भी दिया था, उसके बाद अभी तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो किस तरह आप अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, चलिए आज सीख लेते हैं किस तरह आप ऑनलाइन अपना इकोनॉमिक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप सीएससी भीएली हैं, अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर या वसुधा कैंट चलाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कि वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल में पहली बार आए तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल पर आ जाएँ। डिजिटल सेवा पोर्टल पर जैसे आ रहे हैं, डिजिटल पोर्टल सेवा पर आने के बाद सबसे पहले आपको लॉग इन कर लेना है। यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको लॉग इन हो जाना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लॉगिन हो गया हूँ। ये हमारा सीएससी का डैशबोर्ड है। तो जब भी आप लॉगिन होंगे तो ये आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह का देखेगा। तो चलिए सबसे पहले इकोनॉमिक्स यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आपको फ्लैश मैसेज में मिल रहा है इम्पोर्टेंट, हम नीचे कर देता हूँ। ये देखिए, इम्पोर्टेंट में दिया गया है रजिस्टर फॉर सेवन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये वाला रजिस्टर फॉर सेवन इकोनॉमिक्स, ये ऑप्शन देख लीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह एक नया ओपन होगा। यहाँ पे देख लीजिए, क्लिक हेयर, क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना होगा, नहीं तो आप सर्विस में जाकर आप रजिस्टर सेवन इकोनॉमिक्स आप सर्च करके यहाँ पे आ जाएंगे। मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करके लॉगिन हो जाइए। तो चलिए मैं लॉगिन हो जाता हूँ, डिजिटल विथ सेवा कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, एक आपको ऑप्शन मिलता है ट्रेनिंग एंड एग्जाम। आपको ट्रेनिंग एंड एग्जाम पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ट्रेनिंग एंड एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा अप्लाई किए गए सारे कैंडिडेट यहाँ पे आ जाएंगे। जिसका आप एग्जाम लिए हैं, जिसका नहीं लिए, सारा यहाँ पे आपको शो कर देगा। ठीक है, जिसका भी आपको मार्कशीट, जिसका भी आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा तो यहाँ पे ट्रेनिंग एंड एग्जाम पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ट्रेनिंग एंड एग्जाम पे क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक स्टूडेंट का डैशबोर्ड खुल गया। यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट हो चुका है। ठीक है, ये 13/6/19 को मैंने रजिस्ट्रेशन किया था और लगभग मुझे 10/7 तक में, 10/7 से पहले ही मानिए हमें सर्टिफिकेट मिल गया था। तो यहाँ पे आप असेसमेंट देख सकते हैं, आपने असेसमेंट जो दिया था कितना मार्क आया था। यहाँ पे एग्जाम रिजल्ट है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा गेट सर्टिफिकेट। गेट सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही गेट सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है गेट सर्टिफिकेट एंड दूसरा गेट आईडी कार्ड। सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो गेट सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे, न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये हमारा इकोनॉमिक्स का सर्टिफिकेट है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम है मोहम्मद जीशान आरिफ। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक्स का सर्टिफिकेट है। अगर आप इस पर क्लिक करते तो आपका नहीं कुछ खुलता है, तो वहाँ पे आपको लिखा होगा प्लीज योर सर्टिफिकेट इज अपलोडिंग, प्लीज वेट। तो आपको 10 दिन वेट कर लेना होगा, उसके फिर से आपको इसी तरह ट्राई करना होगा, तो आपका सर्टिफिकेट इस तरह अपलोड हो जाएगा। यह आप सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे गेट आईडी कार्ड पे क्लिक करके अपना आईडी कार्ड यहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाले थे कि आप किस तरह, अगर आप सीएससी भीएली हैं, तो आप किस तरह इकोनॉमिक्स सेवन इकोनॉमिक्स का आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। कोई न्यू अपडेट आती है तो हम आपको एक नई वीडियो में बता देंगे।